शायमा, तुम्हें पता है मुझे पास्ता बहुत पसंद है। थैंक्स। जानती हो मुझे और क्या पसंद है? क्या? तुम्हें बहुत सारा प्यार करना। ओ। अरे क्या हुआ, कट गया ना? हाँ। छोड़ो छोड़ो छोड़ दो इसे, यहाँ रुको मैं आता हूं। मेरी जान, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? नहीं, बस ठीक है। कुछ जख्म तो ऐसे होते हैं जो मरहम से भी नहीं भरते। लेकिन ये तो छोटा सा जख्म है। मैं इसकी बात नहीं कर रही, मेरा मतलब कि वो जख्म जो लोग देते हैं, उन्हें जितनी भी मरहम पट्टी की जाए फिर भी कभी नहीं भरते, हमेशा ताजा रहते हैं। शहमा जान, क्या हुआ, क्या कहना चाहती हो तुम मुझसे? साफियार, मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मतलब तुमने बगैर कुछ पूछे मुझे अपने घर में जगह दी, अपने दिल में जगह दी, मेरी केयर करते हो, तो अब मेरा भी फर्ज बनता है कि तुम्हें सब बता दूं। तुम्हारे साथ ऑनेस्ट होकर अपनी लाइफ का हर सच बताना चाहती हूँ। ठीक है शायमा, तुम कहो, मैं सुन रहा हूँ। साव्यार, बात यह है कि तकरीबन आज से एक महीना पहले मैं रजा से मिली थी, लेकिन ये मुलाकात सब खत्म करने के लिए थी। तब तुम भी मेरी लाइफ में थे, लेकिन मेरा मिलना बहुत जरूरी था उससे, क्योंकि वो मुझे बार बार कॉल करता था। मैं उससे यही कहने गई थी कि अब वो मेरा पीछा छोड़ दे और मुझे भूल जाए, बस फिर मैं वहां ज्यादा देर नहीं रुकी थी। और तो कुछ नहीं हुआ ना? मसलन? यानी के लॉबी में बात की तुमने, उसके बाद आ गई, राइट? हाँ, ऐसा ही हुआ था। इट्स ओके माय लव, मॉर्निंग। मैंने आपका एड देखा था पेपर में, आपको एक डिजाइनर की जरूरत थी। क्या मैं इंटरव्यू देने के लिए आ सकती हूँ? आप अपनी एजुकेशन के तमाम असनाद साथ ले आइएगा। नहीं, एजुकेशन तो नहीं, लेकिन काम जानती हूँ। मैं वेडिंग ड्रेसेस तक डिजाइन कर लेती हूँ। माफी चाहते हैं, हम किसी डिग्री के बगैर आपको हायर नहीं कर सकते। ओह ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अरे मैं ऐसी खबर लाई हूं कि तुम सुनोगी तो पागल हो जाओगी। ज़ीनिया, यहां क्या करेंगे हम? क्यों, क्या हुआ? अब यहां क्या करना होगा मुझे? कुछ नहीं, बस सब्जी लेनी है मुझे। तुम बस साथ चलो मेरे। कैसे लगे मेरे दोस्त तुम्हें? अच्छे थे, ठीक लगे, अच्छे थे। समझ गई कि कैसे लगे।
ओके, बताओ आखिर हुआ क्या है? अरे नहीं नहीं, बस कुछ नहीं हुआ। बुलंद, अगर अभी भी हम बातें नहीं शेयर करेंगे तो कब करेंगे? चलो बताओ क्या हुआ। असल में मैं उन जैसा नहीं हूँ, मुझसे ये एक्सपेक्ट भी नहीं करना। मैं तुमसे ये सब क्यों एक्सपेक्ट करूंगी, क्या हो गया? मुझ में और उनमें बहुत फर्क है। हो सकता है तुम्हें बाद में ख्याल आए, इसलिए बेहतर है कि अभी ही इस बारे में सोच लो, अभी वक्त है। बुलंद कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं ओल्ड फैशन ही ठीक हूँ, तुम्हें शर्मिंदगी होती होगी और मैं इसका बाइस नहीं बनना चाहता, बिलीव मी। तुम तो मेरा फखर हो बुलंद। जानता हूँ मेरा दिल रखने के लिए कह रही हो। अरे बाबा क्या सोच रहे हो तुम, गलतफहमी है तुम्हारी, तुम मेरा गुरूर हो। तो अब बेहतर रहेगा कि हम कुछ खा लें, हाँ? ठीक है, मंगवाता हूँ कुछ। हमेशा की तरह रस मलाई। जल्दी चलो भाई, देर हो रही है मुझे। सर मैं गाड़ी उड़ा नहीं सकता, जाहिर है ट्रैफिक है। हद होती है यार। टमाटर कैसे दिए? 50 रुपए किलो भाई। हाय आंटी। अरे बेटा कैसी हो तुम? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। कैसे आना हुआ? यहाँ आओ बेटा, वहाँ क्यों खड़े हो? मुझे कह रहे हैं तुम्हारे अलावा मेरे साथ यहाँ कोई है क्या? हाँ कोई नहीं, सच में। आए, कितना अच्छा हो गया कि तुम लोग आ गए। लो मैं बस आती हूँ। अरे आंटी आप फिक्र ही ना करें, अयाज देख लेगा। अच्छा बेटा मैं बस अभी आती हूँ। अरे आंटी आंटी रुके तो यार, ये क्या हरकत है? ये तुम्हारा ही प्लान था ना जीनी? अब काम पे लग जाओ। ठीक है, याद रखना इसे। आज मेरी बात हुई थी, कह रही थी कि अम्मी वो मुझे अपने साथ ले गया था, एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। हाय सोचो मेरी मुराद पूरी हो गई मेराल। और हान जल जल के कोयला हो रहा है, उसकी सूरत देखोगी तो हंसी आ जाएगी तुम्हें। मुबारक हो, मैं बहुत खुश हूँ ये सुनकर। मेराल इतनी परेशान क्यों हो, क्या हुआ है? मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो तुम किसी को बताओगी तो नहीं? बेफिक्र रहो, नहीं बताऊंगी। अब बताओ क्या हुआ है? मैंने 6 महीने से अपने मकान का किराया नहीं दिया। क्या? 6 महीने का किराया? तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितनी परेशान हूँ। ना हाथ में पैसे हैं, ना ही नौकरी मिल रही है। अब तुम ये बताओ मैं क्या करूँ। बहुत दुख हुआ सुनकर, अगर मेरे हाथ में होता तो बगैर सोचे मैं तुम्हें सारे पैसे दे देती। हाँ सच। हाँ मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारे लिए भी ये बहुत मुश्किल है। हाँ मैं जरूर मदद करती। सुनो गुलसरीन, तुम्हें कहीं अगर आसपास का पता हो जहाँ सिलाई करने वाले की जरूरत हो तो प्लीज मुझे जरूर बताना। इस वक्त तो मेरे जहन में कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ दिन पहले मैंने पिछली सड़क पर बोर्ड देखा था, इसी मोहल्ले में दुकान है। ये जो आगे चौक है ना, एक पुराना होटल है उसी के साथ बिल्कुल। हो सकता है वहाँ काम मिल जाए तुम्हें। नहीं यार वहाँ नहीं। क्यों? वहाँ से बच्चे आते जाते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। कहिए मोहतरमा, देखती रहेंगी या खरीदेंगी भी आप? जाहिर है खरीदूंगी, जल्दी से तोल दो। जरूर लीजिए, 100 रुपए। दोबारा जरूर आइएगा। जरूर आऊंगी।
मीठे हैं ना? खुशबू तो अच्छी आ रही है, ताजे तो है ना? जी हाँ, एकदम ताजे। अरे अम्मी क्या कर रही हैं? हमने टमाटर ले लिए हैं। इधर दो, चुप कर। पैसे बताओ इनके। अरे पैसों को छोड़े, शॉपिंग बैग दो। थैंक यू। ये लीजिए, मेरी तरफ से आपके लिए, ले जाएं। थैंक यू बेटा। और ज़ीनिया मैडम, ये आपके लिए। जी नहीं, खुद ही खाओ। हाँ मैं होती तो फौरन ले लेती, देखो तो कितने प्यार से दे रहा है। प्यार से दे रहे हैं तो मैं क्या करूँ? ओहो, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी। इतना हैंडसम लड़का कहे तो इनकार नहीं करना चाहिए। ले लो ले लो, फायदे का सौदा है। क्या हो गया भाई, रुक क्यों गए? आपको नजर नहीं आ रहा कि सामने से ही औरत गुजर रही हैं? अरे भाई इस उम्र में घर से निकलने की जरूरत भी क्या है आखिर? ओ भाई तुम कहाँ जा रहे हो? आंटी आए ना, मैं आपको रोड क्रॉस करा देता हूँ। थैंक यू बेटा। कोई बात नहीं आंटी। ख्याल से जाइएगा। थैंक यू सो मच। वाह भाई वाह, तुम ऐसे ही पैसेंजर को छोड़ के बाहर चले गए? क्या बात है भाई आपकी, मुझे जल्दी पहुंचना है, तुम्हें समझ में नहीं आ रही मेरी बात? क्या है? टैक्सी से नीचे उतरो। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? मैंने कहा नीचे उतरो। अबे मैंने कहा नीचे उतर, उतर, निकलो यहां से। मैं तुम्हारी शिकायत जरूर करूंगा। जरूर करना, देख लेना, तुम समझ गए? भाई ये तो कमाल हो गया, एक घंटे में पूरा स्टॉल बेच डाला। हाँ यही तो टैलेंट है मेरा। बेटी इसको ले आया करो ना, पूरे हफ्ते की सेल करवा देगा मेरी। आप एक बार फिर सोच ले। मैं आ जाया करूँगा, फिक्र नहीं करें। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरे बच्चे। आप बहुत अच्छी हैं। सी यू। ऊपर वाला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हाँ लड़की, अब कहो मैं इम्तिहान में कामयाब हुआ या नहीं? अब क्या तुम्हारे हाथ चूम के दाद दूं क्या तुम्हें? हाँ तो फिर ये लो, चूमो। ऐसी बातों पे बहुत खुश होते हो तुम। तुम्हारे चैलेंजेस खत्म हो गए हो तो क्या अच्छा सा खाना खा सकते हैं? डिजर्व करता हूँ। बाकी डिजर्व करते हो तुम। शाम में चलेंगे। कोई अच्छा सा ड्रेस पहनना। कभी तुमने मुझे बुरे ड्रेस में भी देखा है क्या? अरे कभी नहीं, लेकिन फिर भी चाहता हूँ कि हमेशा की तरह तुम आज भी अच्छा ड्रेस पहनो। आज की शाम बहुत स्पेशल होगी।
ब्यूटिफुल। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बस सकते में आ गया। क्यों? तुम गाड़ी में खुद से बैठी हो आज। मुझे जिद नहीं करनी पड़ी ना लड़ना पड़ा, इसलिए अजीब सा लग रहा है कुछ। आज का प्लान हमारा पहले से था ना इसलिए। हाँ वरना मुश्किल से मानती हो, जिद्दी लड़की। हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ वक्त ले जाए वहाँ। वाह क्या बात है, तुमने तो पूरी टेबल ही भर दी, कमाल है, मुझे तो पता ही नहीं था। बल्कि किसी को तो तुमसे कुछ सीखना चाहिए। थैंक्स, मुझे कोई शौक नहीं है। हाँ हाँ, सुबह ये अपना टोस्ट बना लेती है, वही बहुत है। सावियार मैं शावर लेना चाहती हूँ, मैं जाऊँ? ऑफ कोर्स। लेकिन मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। हाँ रुको, अभी कुछ करता हूँ मैं। फिजा भाई, मेरे कपड़े फिट नहीं आएंगे शाइमा को। फिजा जान, जब एमरे आया था तो उसे मेरे कपड़े फिट आ गए थे, तुम कुछ दे दो, शायद इसे भी पूरे आ जाएं। चलो शाबाश, दे दो। और हाँ, साफ टॉवल देना अपनी भाभी को, ठीक है ना? क्या, भाभी को? अच्छा चलो जाओ। बहुत शुक्रिया फिजा, मेरी वजह से तुम्हें काफी तकलीफ हुई। नो प्रॉब्लम, तकलीफ कैसी शायमा भाभी, अभी लाती हूँ। शामीरा, आपका ये नाश्ता कब तक चलेगा भला? जान मैंने अभी तो शुरू किया है नाश्ता करना, और देखो तुमने दरवाजा भी बंद कर दिया है, और तुम्हें तो पता है मुझे जल्दी भूख लग जाती है। बस ये है हमारे पास खाने के लिए, अगर कहो तो तुम्हारे लिए भी बना दूं। और तुम्हें भी मालूम है कि मुझे कितनी जल्दी गुस्सा आ जाता है, अब मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो और जल्दी से ये डबल रोटी अपने मुंह में डालो और तैयार हो जाओ। जानू ये स्लाइस तुम खाओगी क्या? नहीं डालें, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इस वक्त तुम्हें इसकी जरूरत है ताकि तुम जिंदा रह सको। कहो मेरी जान, तैयार हो ना तुम? नहीं मैं अभी रेडी नहीं हूँ, एक और टाइम को खाना खा लें क्यों? नो वे, ये मिशन आज रात ही पूरा होगा, बस बहुत हो गया। अरे अंधेरे में बेवकूफ बच्चे ही पैदा होते हैं और वो डरपोक होते हैं, साइंस ने भी ये बात साबित की है। तुम तो इतनी स्टडी करती हो, तुम्हें ये बात मालूम नहीं है? मैंने तो कहीं नहीं पढ़ी ये बात। ये जदीद तहकीक है, नहीं पढ़ा होगा। मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ, ये एक न्यू रिसर्च है, मुझे भी मालूम नहीं था। उन्होंने एक टीवी शो में बताया कि थैंक यू फिजा। ये रूम यूज नहीं करते हम, कहीं और चली जाओ। ठीक है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, तुमने ये सब कब किया? Actually, तुम्हें सरप्राइज देना था, अच्छा लगा तुम्हें? मतलब झूठ नहीं बोलूंगी। Wonderful. आपने तारीफ की, थैंक यू। तुम्हारा हक बनता है।
तुम्हें बहुत भूख लग रही थी ना, इसलिए मैंने बहुत स्पेशल फूड बनवाया है। हाँ तो बाबा जान, कैसा रहा आज का दिन? हाँ ठीक रहा यार, जबरदस्त, बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है तुमने शायमा। बाबा आपको मालूम है आज शायमा ने खाना बनाया है? वाकई जबरदस्त, शाबाश बेटा। आप ठीक से खाएगा बाबा जान। बाबा जान जीनिया, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे। क्यों क्यों पूछा? जानता हूं कुछ तो है, बताओ ना, उदास क्यों हो रही हो? सोच रही थी कि सब कुछ कितना हसीन है, बहुत ही खूबसूरत। बस इसीलिए डर सी गई हूं। किससे डर गई तुम? तुमसे, अपने आप से, हम दोनों से। ओह, चलो तुम्हें सरप्राइज देने का वक्त आ गया है। सरप्राइज? अब कौन सा सरप्राइज है? सरप्राइज तो मैं ऐसे ही नहीं दूंगा, पहले अपना ये खौफ खत्म करो वरना कैंसिल कर दूंगा सरप्राइज। अच्छा अच्छा, कोई भी खौफ नहीं अब। तुम्हारे चेहरे पे ये हंसी बहुत अच्छी लगती है, पहले खाना खत्म करो फिर दूंगा। नमक कुछ ज्यादा ही तेज है। मुझे लगता है तुम्हारे मुंह का जायका खराब हो गया है, वरना खाना तो बहुत अच्छा है। और बाबा कैसी रही आपके दोस्तों की गैदरिंग? ठीक रही, वो उसके दोस्त थे मेरे नहीं। हाय, फिर तो बहुत मजा आया होगा। उनकी कंपनी अच्छी लगी आपको? हाँ कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी। हाय फैशन सोसाइटी थी, जाहिर अच्छे तो होंगे। मैं फिर से काम करूंगा। ओह जबरदस्त, आप ये तो सेलिब्रेट करना चाहिए हमें। बाबा आप सीरियस हैं? इसकी क्या जरूरत है, रिटायर्ड लाइफ में क्या काम करेंगे आप? बस अपने शौक एंजॉय करें आप और घूमें फिरें। अगर कहीं अब्रॉड जाना चाहते हैं तो वहाँ जाएं। हाँ मगर काम करने की वजह यही बोरियत है। चलें सही है, फिर आप कंपनी ज्वाइन कर लें, अच्छा है, मेरी हेल्प भी हो जाएगी। ठीक है बेटा, बताऊंगा तुम्हें। ठीक है। वाह खाना अच्छा था ना? हाँ दिल तो चाह रहा था और मंगवाऊं। अयाज मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, यानी पेट में जगह होती तो तुम्हारी जेब खाली होती। बेफिक्र रहो, मैंने खाने को कुछ नहीं मंगवाया, इसे खोलो तो। कैसा लगा तुम्हें? बहुत मुश्किल से मिला है, मुझे लगा कि तुम्हें ये बहुत पसंद होगा, है ना? रख लो। अयाज इतना अजीब सरप्राइज यार। सिर्फ यही एक सरप्राइज नहीं है, अभी और भी है। Thank you.
अच्छा है ना? ये कभी नहीं भूलूंगी मैं। ये क्या है? इसी से तुमने मेरी कार रिपेयर की थी ना? अयाज, समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। कुछ कहने की जरूरत नहीं तुम्हें। अपने हाथ दो। जरूरी है क्या? नहीं। मैं गलत वक्त पर आ गई। तू वाकई गलत वक्त पे है। ये लड़की इसी वक्त इस घर से निकलेगी। अगर ये यहाँ रहेगी तो मैं जा रही हूँ। बाबा आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अब तुम देखना मिस्टर अयाज, अब मैं क्या क्या करके दिखाती हूँ। ये कैसा इश्क है, ये कैसा